नमस्कार दोस्तों। और आज हम आ चुके हैं इधर खेत के साइड में, और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पिपरमिंट। बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं भी पता, तो आपको बता दूँ, इसका जो है उपयोग किया जाता है ठंडे तेल के लिए। गर्मियों में बहुत ही ठंडक मिलती है इससे, इससे ठंडे तेल बनाए जाते हैं। जितने भी तरह के हिमगंगे टाइप के जितने भी ठंडे तेल बनते हैं, जितने भी कोल्ड तेल बनते हैं, कोल्ड ऑयल जितने भी बनते हैं, वो इसी पौधे से बनते हैं। और यहाँ एक किसान ने इतना इतने कम से कम, ये आप मान चलो 1 से 1.5 बीघे में खेती कर रखी है। ये सारा पिपरमिंट का ही पौधा देख रहे हैं आप। तो ये एक फ़ायदे का सौदा है दोस्तों। इसमें जो है इससे तेल निकाला जाता है, और ही तेल से इसका मिश्रण बना के इसे हिमगंगे जैसे ठंडे तेल के लिए उपयोग किया जाता है। काफ़ी ठंडा होता है दोस्तों, काफ़ी ठंडी तहसील होती है इसकी। और ये बहुत बढ़िया पौधा है, आप देखेंगे तो ये देखिए, आप आपको दिखा दूँ, ये देखिए पौधा है, ये काफ़ी अच्छा पौधा है और काफ़ी ठंडक होता है इस पौधे में। ये पिपरमिंट का पौधा है, इसकी खेती बहुत ही ज़्यादा मुनाफे वाली खेती होती है। अगर आप खेती करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं भगवान, तो ये खेती बहुत बढ़िया हो सकती है और ही बहुत ही अच्छी खेती हो सकती है। ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खेती हो सकती है, और आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया खेती है, सबसे मुनाफे का सौदा है किसान भाइयों। ये आप समझ लीजिए कि ये जितना भी आप उगा रहे हैं, ये जो है ये आपको आपकी झोली भर देगा। आप जितना खर्च करेंगे उसका आप मान चलिए 10 गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है इससे। बहुत ही फायदेमंद खेती है, और इसका काफ़ी सारी दवाइयों में भी उपयोग किया जाता है, काफ़ी दवाइयों में भी काम आता है पौधा। इसका जो ऑयल है और जो तेल निकलता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए भी, और गर्मियों में हमारी सेहत भी सुधारता है ये पौधा। तो ये काफ़ी अच्छा पौधा है अगर देखा जाए तो। एक हिसाब से देखा जाए इसकी खेती आज से बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं, और इससे मुनाफा है इसलिए भी कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है, यही गुजारिश है देखने वाले जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि आप इस खेती को ज़रूर एक बार आजमाएं अपने खेत में। अगर आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो एक बार आप अपने कृषि विभाग से, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी किसी भी विज्ञान संबंधित हो, उनके पास एक बार मिट्टी की जांच करवा के आप इस खेती को अपना सकते हैं। बहुत अच्छी खेती है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो खेती है बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये खेती बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से की जा सकती है। देख सकते हैं पौधा कितना कितने बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया खेती होती है इसकी, और फ़ायदा भी इसमें बहुत ही अधिक मिलता है दोस्तों। इसमें फ़ायदे की अगर बात करें तो आप मान चलिए एक हिस्सा अगर आप लगाते हैं तो उसमें 10 गुना आपको लगभग फ़ायदा मिल सकता है, अगर देखा जाए मोटा मोटी तो। अगर ज़्यादा खेती करते हैं तो आपको 10 गुना तक फ़ायदा मिल सकता है। आपको उसे तेल को प्रोसीजर प्रोड्यूस करके बेचना होगा, जब आपको 10 गुना फ़ायदा मिल सकता है। इसका जो तेल मिलता है दोस्तों, कम से कम 1500-1600 रुपये लीटर है मार्केट में। तो दोस्तों इसमें आपको लगभग 1600 रुपये लीटर तक बिकता है इसका ऑयल, अगर आप प्रोड्यूस करवाते हैं, आप अगर ऑयल इसका निकलवाते हैं तो 1600 रुपये लीटर के आसपास जाता है। और इसका वैसे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन वैसे अगर आप होलसेल में अगर आप बेचते हैं तो आपको, अगर आप इसका तेल प्रोसेसिंग करके अगर बेचते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा होता है, बाकी वैसे तो कम ही होता है। हाँ, सबसे सही बात मेरे हिसाब से वही है कि तेल अगर आप प्रोसेसिंग करके बेचते हैं इसका तो ज़्यादा फ़ायदा, और अगर आप इसकी खेती शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको इसके अंदर। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।